समाधान संबंध मानवाधिकार महासंघ एवं सासाराम रेलवे सुरक्षा के संयुक्त तत्वाधान में आज सासाराम रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता को लेकर भारत स्वच्छ जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें मानवाधिकार महासंघ के कार्यकर्ताओं ने रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों से मिलकर रेलवे परिसर में सफाई किया। वहां मौजूद यात्रियों से पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने और चलती ट्रेन और स्टेशनों पर किसी प्रकार का गंदगी न फैलाने का अनुरोध भी किया गया। साथ ही सभी ने अन्य यात्रियों के साथ मिलकर संकल्प लिया कि हम सभी लोग ट्रेन में स्टेशनों पर गंदगी नहीं फैलाएंगे साथ और ना ही पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे। हम संकल्प लेते हैं किसी प्रकार का गंदगी पूरे भारत वर्ष में नहीं फैलाएंगे और लोगों को भी हम अपने स्तर से प्लास्टिक और पॉलीथीन का सेवन नहीं करने का सलाह देंगे। हमारा भारत देश आगे बढ़े इसके लिए हम लोग आज संकल्प लेते हैं। धन्यवाद सभी यात्रियों का। यात्रा मंगलमय हो इसकी हम कामना करते हैं। और एक बात और कहते हैं कि चलती ट्रेन में किसी भी प्रकार का बोगी में किसी प्रकार का कोई अगर दुर्घटना होता है तो 182 आप लोग इस्तेमाल कीजिए। RPF पुलिस का आपको अगला स्टेशन तक आप लोगों को सहायता मिल जाएगी। हाँ 182 अगर आपका फोन अगर आप जागरूक है तो किसी का ट्रेन रुकने से और किसी का जान बचा सकते हैं। श्रीमान आप लोग जागरूक बनिए, यही हम लोग का आप लोग से निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद।